कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में की प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने प्रेस वार्ता के दौरान शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 18 साल की भाजपा सरकार में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह प्रदेश के नौजवान हैं। मध्य प्रदेश में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 40 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा हैं। जैन ने कहा कि शिवराज सरकार में भर्ती घोटाले के मामले में मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित किया है, चाहे वह व्यापम घोटाला हो, डीमेट घोटाला, आरक्षण भर्ती घोटाला, पैसा कोऑर्डिनेटर भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला या पटवारी भर्ती घोटाला। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के घोटाले नहीं हुए होते तो करीबन 20 लाख युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिल गया होता। आज प्रदेश की सरकार पर 4 करोड़ से अधिक का कर्ज है, मगर इस कर्ज से किसी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया। द खबरदार न्यूज से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, उस माँ ने इसी माटी में भोपाल में जन्म लिया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये माटी जिस माटी से मेरा उदय हुआ और इस माटी की पीड़ा, इस माटी का दर्द, इस माटी के अंदर युवाओं के सपनों पर कुठाराघात देखकर हर पल मेरे मन के अंदर हमेशा एक ही चिंतन रहता है कि युवाओं की ये समस्या कब दूर होगी। आज एक ऐसा दिवस है जिस दिवस पर एक ऐसी देवी स्वरूपा महिला, जिन्होंने आम आदमी के लिए पूरा जीवन जिया, देश को सशक्त नेतृत्व दिया और जुमलों में नहीं अपने कार्यों के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर अपना गौरव स्थापित किया, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर पाकिस्तान ने आंखें ततेरी तो उसकी छाती पर चढ़कर 2 टुकड़े करने का काम उन्होंने किया। दूसरे हमारे लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जन्म जयंती है और जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर देश के अंदर एक ऐसी रीति और नीति बनाई जिससे कोई भी जातिवादक ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती थी कभी फन नहीं उठा पाई। मैं प्रणाम करता हूं आप सारे लोगों को। हमारे के भाई ने हमें एक अवसर दिया है, एक संघर्षशील, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इनके जज्बे को लोग सलाम करते हैं। हमारे अवनीश बुंदेला जी, जिनका आप पर हमेशा संवाद रहता है, हमारे सम्मानी पांडे जी, प्रवीण जी, हमारी बहन जी, यहाँ पर हमारे तारण जी और हमारे सहरार जी, सभी लोग एक सामूहिक रूप से आपसे लगातार आपके सहयोग से मध्य प्रदेश की पीड़ा और अभिव्यक्ति को आपके सामने बताते हैं। आज जो सबसे बड़ी समस्या है इस मुल्क के अंदर, स्थायी बने, उसको काम मिले, उसको रोजगार मिले, उसकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई से वो राष्ट्र की सेवा कर सके, लेकिन एक चोर सरकार, जिस सरकार के मुखिया ने नौजवानों के हक को लूटा है, उम्मीद पर पानी फेरा है, 18 नौजवान के घर पे आंसू पहुंचने नहीं गया, नौटंकी करने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए, डांस करने के लिए, झूठी वाई वाई कराने के लिए इनके पास काम है। आज जो 17,298 नौजवान जिनने इस प्रदेश के अंदर रोजगार के अन्वित भी किया, आज उनकी जो मनसा है कि जो गरीब गार्जियन है, जो मीडियम क्लास फैमिली है, उनके परिवार जनों पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बोझ नहीं आए, कोई पैसा हम किसी नियुक्ति में किसी स्टूडेंट का फीस के रूप में जमा नहीं कराएंगे। हम नियुक्तियों के मामले में यही प्रयास करेंगे
कि जो समयबद्ध सीमा के अंदर वो नियुक्तियां हों। आपने अगर वचन पत्र देखा होगा लोकसभा के चुनाव के दौरान केवल 11 महीने हमारे मुख्यमंत्री जी को कार्य करने को मिले और उस कार्य करने के दौरान जो बेरोजगारी की दर थी वो भी आपके ही अपने आंकड़े हैं 7.2 से वो 4.3 उस पे आ गई थी। तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में और मार्च में जिस समय हम लोग 1,00,000 भर्तियों की पूरी कैबिनेट के अंदर आपने कैबिनेट की मीटिंग। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।